कोरोना है, रोना नहीं है। आगे आपका मतलब किस्मत जो भी है वो आपकी किस्मत ही आपको तय करनी है। पूरे देश में समस्या है ही, मगर यहाँ आने के बाद उतना रिलीफ मिला है कि भाई चलो आगे का अच्छा है थोड़ा। सूरत के पॉश इलाके कहे जाने वाले वेसू में ज्योतिषी के वहां लॉकडाउन के बाद अचानक से कुंडली दिखाने आने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यहां कुंडली दिखाने आने वालों में ज्यादातर व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो खास करके टेक्सटाइल, डायमंड और अन्य उद्योगों के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ ज्योतिषी लोगों से मिलकर उन्हें समस्याओं से निकलने का मार्ग निःशुल्क बताते हैं। ज्योतिषी गोविंद मुंदड़ा और वास्तुशास्त्री संजय अग्रवाल का कहना है कि लॉकडाउन के बाद खास करके सूरत शहर में व्यापारी वर्ग के लोग मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हुए हैं। ऐसे लोग अब उनकी शरण में आ रहे हैं। ज्यादातर सब बड़े व्यापारी, चाहे बड़े हो या छोटे व्यापारी हो, लेकिन समस्या सबको एक जैसी ही है और समस्या काफी गंभीर है। और आर्थिक समस्या से परेशान होने की वजह से मानसिक समस्या में और ज्यादा लोग और परेशानी में ज्यादा आ गए हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं लोग। मैंने कई ऐसे लोग देखे कि जो मतलब इतना डिप्रेशन में है कि वो आत्महत्या तक भी सोचने की बात करते हैं, यहाँ आके बहुत सारी बातें करते हैं। तो हम लोग फिर उनको उस तरह से मोटिवेट करके, जो भी हमारे शास्त्रों पद्धति में, ज्योतिष में जो उपाय बताए गए, उनको बता के उनको उसमें से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लॉकडाउन के बाद ऐसा हुआ है कि लोगों के अंदर डिप्रेशन की मानसिकता बढ़ गई है, कारण कि जो ये माहौल बना इसको लोग प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर पाए और उसके कारण डिप्रेशन से रिलेटेड लोग ज़्यादा आने लगे हैं। हालांकि उसके कारण उन्हें आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक हर तरीके की समस्याएं बढ़ गई हैं। तो एज ए वास्तु एक्सपर्ट मेरी कोशिश रहती है कि उनको पॉजिटिव मूड में लाकर और उन्हें किसी भी यंत्र के सहारे के द्वारा उनको पॉजिटिव करूं और उनकी उम्मीदों को खत्म नहीं होने दूं। लॉकडाउन के बाद ठप हुए व्यापार की वजह से आर्थिक तंगी और मानसिक रूप से परेशान होकर ज्योतिषी के पास आने वाले लोगों से भी गुजरात तक के संवाददाता संजय सिंह राठौर ने बात की। ज्योतिषों के सारे इनके कुछ ऐसा है कि क्या है आगे का, तो इनसे हमारे को जो एनर्जी मिलती है तो इसके लिए हमारे को इनके पास आना पड़ा और इनसे हमेशा बूस्टर हमारे को लेना पड़ता है सर। परिवार के अंदर और आर्थिक रूप से बहुत खराब हुई सर। आर्थिक रूप से इतनी खराब हुई है कि अभी भी मतलब वो लेवल पे नहीं है सर बिजनेस। कोरोना है, रोना नहीं है। आगे आपका मतलब किस्मत जो भी है वो आपकी किस्मत ही आपको तय करनी है, मगर उस उनकी सलाह से काफी मतलब मेंटली थोड़ा मतलब हम वो हो चुके हैं कि नहीं चलो आगे। उन्होंने बताया है कि भाई थोड़ा ये कम होगा उसकी इफेक्ट, ये आगे इकोनॉमिकली भी थोड़ा आपको मतलब अच्छा रहेगा, बेटी के बारे में भी आप टेंशन मत लो, वो सब उसका भी फ्यूचर अच्छा है। तो यहाँ आने के बाद इतना थोड़ा मेंटली मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है कि भाई चलो आगे थोड़ा अच्छा है। वैसे बात करने के बाद हमें पता चला कि सबका एक जैसा जवाब था कि लॉकडाउन के बाद धंधा व्यापार ठप पड़ा है, जहां से पेमेंट लेना है वहां से आ नहीं रही और नया व्यापार शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं है। हर तरफ से हताश हो चुके हैं ये व्यापारी। ऐसे में ज्योतिषी का इन्हें सहारा नजर आ रहा है। डायमंड और टेक्सटाइल नगरी के नाम से देश और दुनिया में मशहूर सूरत शहर के कारोबारियों का कारोबार लॉकडाउन के बाद अभी भी पटरी पर नहीं लौट रहा है, जिसकी वजह से वे मानसिक रूप से टूटकर ज्योतिषों का सहारा ले रहे हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट, गुजरात तक।